संत इग्नेशियस उच्च विद्यालय गुमला में गुरुओं के सम्मान में आयोजित 12वीं गुरु भक्ति मुन्ना फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन पुरस्कार वितरण के साथ रविवार को जुबली स्टेडियम में हुआ। विजेता टीम किशोरनगर नामकुम रही, जबकि उपविजेता संत पात्रिक स्कूल गुमला रही। मुख्य अतिथि गुमला विधायक भूषण तिर्की थे। उन्होंने कहा है कि हर साल गुरुओं के सम्मान में आयोजित होने वाली गुरु भक्ति मुन्ना फुटबॉल टूर्नामेंट अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहा है। टूर्नामेंट के माध्यम से मुन्ना फुटबॉलरों को एक मंच प्रदान किया जा रहा है। टूर्नामेंट के संस्थापक फादर एरेंसियस मिंज ने कहा है कि प्रतियोगिता में एक टीम की जीत होती है और एक टीम की हार होती है, परंतु हारने वाली टीम को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हार ही जीत की सीढ़ी है। सेवानिवृत्त शिक्षक केदारनाथ मिश्र ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मंच का संचालन विद्यालय के प्रधानाध्यापक फादर मनोहर खोया, शिक्षक नीलम प्रकाश लकड़ा व अजमीर किंडो ने किया। वहीं संत इग्नेशियस के रेक्टर फादर निकोलस टेट्टे, संत जेवियर इंग्लिश मीडियम स्कूल के निदेशक फादर क्रिस्टोफर लकड़ा, फादर प्रफुल्ल, फादर सुमन बेग, फादर जयवंत, फादर सुशील, फादर अशोक कंडुलना, फादर सिकंदर क्रिकेटा, बिशप हाउस गुमला के फादर नीलम, फादर अमृत, फादर रंजीत, ब्रदर मैथ्यू कावा, ब्रदर संदीप बाड़ा, ब्रदर अमृत टोपो, नीलम प्रकाश लकड़ा, हीरालाल नाग, कपिल जोश इक्का, अजमीर किंडो, अनुप्रिया पांडे, पूनम टोपो, बिंदेश्वर कुमार, अरविंद कुंडो, अनमोल टोपो, निर्मल कुजूर, कुलदीप प्रताप बा, जस्टिन टोपो, सिमोन कुजूर, राजेश रॉय, नेमा रेणुका मिंज, शांति मार्गेट बाड़ा, पूर्ववर्ती छात्र राजेश लोहानी, केंद्रीय कैथोलिक सभा गुमला धर्म प्रांत के अध्यक्ष सेत कुमार इक्का, रॉबर्ट टोपो, सेवानिवृत्त शिक्षक कामिल डुंगडुंग, अलविश टोपो, अजीता लकड़ा, राधा लाल, जोसेफ बाड़ा, अंद्रेश कुजूर, पीटर मिंज, जॉन लकड़ा, तारा शंकर मुखर्जी सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में दक्षिणी छोटा नागपुर के गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, रांची व खूंटी जिला के 24 टीमें भाग ली थी। सभी बच्चे छोटे छोटे थे और इनका प्रतियोगिता देखने के लिए काफ़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ ग्राउंड में उमड़ी। मौके पर स्कूल के प्रधानाध्यापक फादर मनोहर खोया ने कहा है कि आने वाले वर्ष में गुरु भक्ति मुन्ना फुटबॉल प्रतियोगिता इससे भी बृहद करने की योजना है। इसके लिए सभी तैयार रहे और पूर्ववर्ती छात्रों का भी सहयोग इसमें जरूरी है। वहीं पूर्ववर्ती छात्र राजेश लोहानी ने कहा है कि आने वाले वर्ष में प्रतियोगिता को और बड़ा रूप देने के लिए हम सभी पुराने छात्र पूरा सहयोग व प्रयास करेंगे, ताकि प्रतियोगिता विरहित रूप से हो सके। अनुशासित टीम संत जेवियर स्कूल डोरंडा रही। पंक्ति में जाते थे, गौर किया था कोई? हाँ, और इसी तरह इनका डिसिप्लिन देखा गया और इसलिए इन्हें विशेष पुरस्कार दिया जा रहा है। बधाई। हमारे बच्चों के लिए प्रश्न है हमारी ओर से, खिलाड़ी बच्चों के लिए, हमारे देश का राष्ट्रपिता किस व्यक्ति को कहा गया है? और एक बार जोर से, महात्मा गांधी। चलिए, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता है, अनुशासन व्यक्ति और राष्ट्र को महान बनाता है। क्या कहा था? अनुशासन व्यक्ति और राष्ट्र को महान बनाता है। हम इसी से प्रेरित होकर आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग अनुशासित रहिए और इस खेल में अनुशासन का पुरस्कार संत पात्रिक क्लब की ओर से कौन मिल जाएगा? संत जेवियर्स डोरंडा को हम देते हैं और बधाई भी देते हैं। ये मुन्ना फुटबॉल टूर्नामेंट के संस्थापक पूर्व प्रधान अध्यापक इस विद्यालय के फादर एरेंसियस मिंज ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत किया है, क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ी सोच है। मैं आप सभी लोगों को इस टूर्नामेंट में फादर पूर्व प्रधान अध्यापक एरेंसियस मिंज से दो टूक बात करने की मौका मिली तो उन्होंने बताया कि ये आज के इस फुटबॉल टूर्नामेंट के मौके पर दक्षिण छोटा नागपुर के तमाम जिला के लोग शामिल हुए हैं, सिमडेगा, रांची,
खूंटी लोहरदगा गुमला तमाम जगह के खिलाड़ी बालक बालिकाएं यहाँ हैं। मैं इस तरह के आयोजन और इस तरह के खेल को प्रोत्साहन देने का और गुरु भक्ति के नाम पर अच्छी शुरुआत है और इस शुरुआत से आपको एक नई ऊंचाई और एक नई बुलंदी की ओर जाने का रास्ता की शुरुआत होती है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि गुमला जिला खेल के नगरी से जाना जाता रहा ये जिला है और इस जिले में कई जिले के लोग आज इस गुरु भक्ति फुटबॉल टूर्नामेंट के मौके पर आए हैं। ये सौभाग्यशाली आप सभी लोग हैं जो आज इस संत इग्नासियस की धरती पर, गुमला खेल नगरी की धरती पर आप सभी लोग आए हैं। गुमला की ओर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और स्वागत के साथ साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि आपके जीवन में आपका जीवन उज्जवल हो, आपका भविष्य अच्छा हो, इसकी शुभकामनाएं भी देता हूँ। साथ ही साथ आज उन शिक्षकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन शिक्षकों ने इस विद्यालय को अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इस विद्यालय का नाम रोशन करने का काम किया। लेकिन कल हमारा है, हम इसी आशय से आगे बढ़ते रहें, सदा सजीव बने रहें और अपने शक्ति का प्रदर्शन करते रहें, अपने कला का प्रदर्शन करते रहें, ताकि हम आज नहीं तो कल तो हमारा ही होगा। मैं सर्वप्रथम पुनः एक बार हमारे इस प्रतियोगिता जो चलाई गई वह हमारे अवकाश प्राप्त शिक्षकों के लिए के नाम पर, ताकि उनकी ऊर्जा बनी रहे, वे सजीव बने रहें और विद्यालय से जुड़े रहें, उसी को लेकर यह प्रतियोगिता शुरू हुई थी जो आज 24 तक चलती आ रही है। इस प्रतियोगिता में हमें, हम अवकाश प्राप्त शिक्षकों को बहुत बहुत शक्ति प्रदान की है, आशा प्रदान की है और जीवन में आगे बढ़ने और सजीव बने रहने की क्षमता प्रदान की है। मैं फादर इरेंसिस मिंज को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और बधाई कहता हूँ कि आपने जो शुरू किया वे हमें जीवित रहने के लिए शुरू किया। तिर्की जी, प्रधानाध्यापक फादर मनोहर कुमार खोया, सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाएं, भाई जो टीम जीत गई है वह आगे बढ़े, जो टीम पराजित हो गई है, लेकिन कहा जाता है हार में ही जीत है, हार ही जीत की सीढ़ी है, इसलिए अगले वर्ष निश्चित तौर पर आप विजेता घोषित होंगे। मेहनत करें क्योंकि यह साल भर आपकी मेहनत के लिए सामने खड़ा है। मैं सभी दर्शकों को बधाई देता हूं जिनके सम्मानीय उपस्थिति से यह टूर्नामेंट की शोभा बढ़ गई, सभी बच्चों का उत्साह वर्धन हुआ और मैं सोचता हूं इसी में खेल की सफलता है। जहां तक का सवाल है, उद्घाटन के दिन ही मैंने कहा था कि हम सबों को आप इस आयोजन के द्वारा वर्ष में एक बार मिला देते हैं, हम एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट सकते हैं, एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर सकते हैं, शायद यही उसकी सफलता है। और साथ ही साथ दूसरा उद्देश्य जिसको मैंने कहा था कि जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले अपनी क्षमता को पहचानने के लिए और वे पहचानते हुए इस रास्ते पर आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है आप दिशाहीन हो जाते हैं, भीड़ में जंगल में खो जाते हैं। अंत में आप सबों ने, हम सबों को आयोजकों ने, खास करके फादर प्रधानाध्यापक मनोहर कुमार खोया ने हम सबों को बुलाया, हमें सम्मानित किया और हमें गौरवान्वित किया, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।